सो है गाइस, तो कैसे हो? तो गाइस आज फिर से एक न्यू एफएलपी प्रोजेक्ट लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस आज एक जो है ओल्ड हिंदी सॉन्ग मैंने रिमिक्स किया हूँ, ओल्ड हिंदी लव सॉन्ग है। तो सॉन्ग का नाम है चुरा के दिल मेरा गोरिया चले, तो इस टाइप का कुछ नाम है। और काफ़ी पॉपुलर एक सॉन्ग है, उस टाइम भी काफ़ी पॉपुलर था और इस टाइम भी काफ़ी पॉपुलर है। तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग है और इसको जो है मैंने ढोलकी में रिमिक्स किया हूँ। तो गाइस इसका एफएलपी का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। और एफएलपी के अंदर जो पासवर्ड मैंने दे रखा हूँ, पासवर्ड जो वीडियो पर 3 स्टेप में आप लोग को दिख जाएगा। तो वीडियो को जो है फुल वॉच कर लेना। और सॉन्ग को जो मैंने किस तरह से रिमिक्स किया हूँ, क्या क्या पैटर्न वगैरह इसमें यूज़ किया हूँ, सारे चीज़ वीडियो पर आगे जो आप लोग को दिखा दूंगा। और सॉन्ग भी जो है थोड़ा थोड़ा सुना दूंगा। इसमें जो है ढोलकी पैटर्न और साथ साथ कुछ ढोलकी लूप्स वगैरह यूज़ किया और कुछ ब्रेक पैटर्न वगैरह जो यूज़ किया हूँ। और गाइस इस सॉन्ग अगर आप लोग फुल MP3 में लेना चाहते हो तो उसका भी MP3 लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चाहते हो तो जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस चलिए आज का वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा FL Studio मोबाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस मैं अपना FL Studio मोबाइल को ओपन कर लिया हूँ। तो ये इस सॉन्ग का जो FLM प्रोजेक्ट है, तो काफ़ी सारे सैम्पल वगैरह जो है इसमें मैंने यूज़ किया हूँ और इसको बनाने में काफ़ी मेहनत जो है लगी है। तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और गाइस इसका जो सॉन्ग का बीट मैच नहीं हो रहा था, तो सॉन्ग को जो है काट काट करके मैंने सेव किया हूँ MP3 में, उसके बाद जो है रिमिक्स किया हूँ। तो गाइस ओल्ड सॉन्ग है इसलिए बीट मैच नहीं हो रहा था। तो इसका BPM देख लो, मैंने 134.8 रखा हूँ। तो चलो आप लोग को थोड़ा थोड़ा प्ले करके सुना देता हूँ किस टाइप का रिमिक्स हुआ है। तो गाइस इसका स्टार्टिंग में तो इफेक्ट्स वगैरह जो है यूज़ किया हूँ और इसका आगे जो है मैंने ढोलकी लूप्स यूज़ किया हूँ। तो इधर देख सकते हो लूप्स मैंने जो है यूज़ किया हूँ और इधर कुछ ट्रेबल्स जो यूज़ किया हूँ। और इसके आगे जो है मैंने ब्रेक यूज़ किया हूँ, इधर वाइब्रेशन यूज़ करके किया हूँ और इधर एक ब्रेक पैटर्न यूज़ किया हूँ। तो सैम्पल देख लो। तो इसके आगे भी जो है ब्रेक यूज़ किया हूँ, इधर कुछ वोकल वगैरह मैंने जो है लगाया हूँ और इधर जो है एक पैटर्न मैंने ब्रेक पैटर्न टाइप का बनाया हूँ। तो इस टाइप का सैम्पल जो इधर लगाया हूँ और इसके आगे ढोलकी लूप्स ढोलकी पैटर्न यूज़ किया हूँ। तो इस टाइप का पैटर्न यूज़ किया हो तो चलो और भी आगे सुना देता हूँ। तो गाइस इधर जो है इस टाइप का मैंने वोकल यूज़ करके ब्रेक बनाया हूँ और इसके बाद जो है फिर से पैटर्न यूज़ किया हूँ, तो उस टाइप का जो है पैटर्न है। और इसके आगे जो है ब्रेक मैंने यूज़ किया इस टाइप का और इसके आगे फिर से पैटर्न वगैरह जो है यूज़ किया हूँ। तो चलो और भी आगे सुना देता हूँ।
तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने बीच बीच में जो सॉन्ग का नीचे एक ऑटोमेशन ट्रैक लगाया हूँ और इसको जो इस तरह से एडिटिंग किया हूँ ताकि सुनने में जो है थोड़ा अच्छा लगे इसलिए। और इसके आगे इधर मैंने एक अलग ढोलकी लूप जो यूज़ किया हूँ, फिर इसके आगे पैटर्न वगैरह यूज़ किया हूँ। तो गाइस इधर जैसे कि अलग टाइप का एक पैटर्न मैंने यूज़ किया हूँ, तो सैंपल देख लो किस टाइप का लगाया हूँ। और इसके आगे जो पहले की ब्रेक पैटर्न को लगाया हूँ। तो गाइस ये जो पूरा सॉन्ग है मैंने इस टाइप का रिमिक्स किया हूँ, तो ढोलकी पैटर्न में जो रिमिक्स किया हूँ, तो उम्मीद करते हो आप लोगों को जो है पसंद आया है। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में।